हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास स्टैंडर्ड 10, सब्जेक्ट इंग्लिश. द नेम ऑफ द बुक इज़ फर्स्ट फ्लाइट एंड दिस इज़ द सेकेंड लेसन ऑफ द बुक. द नेम ऑफ द लेसन इज़ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. दिस इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द नेल्सन मंडेलाज ऑटोबायोग्राफी एंड वी हैड स्टडीड इन द प्रीवियस टू वीडियोज़ अबाउट द अपार्थेड सिस्टम, political system. I am telling in brief. Apartheid system, this is the news item that was published in BBC on 10th May 1994, and this is the cross match. We had already studied it, and this was how the inauguration ceremony started, and this is about the swearing in of Nelson Mandela and Thabo Mbeki. This is the address of Nelson Mandela to the international guests, and this we have already studied in the previous video, how it was jovially celebrated, the inauguration ceremony. And now this is the slide from which we will start this video, this lesson today. In this slide, Nelson Mandela is talking about the deep roots of the apartheid in the society and how it was uprooted. Let's start this slide. The policy of apartheid. The policy of apartheid created a deep and lasting wounds in my country and my people. रंगभेद की नीति ने मेरे देश और मेरे देश के लोगों के हृदय पर गहरा और चिर स्थायी घाव उत्पन्न किया. ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट. हम सबों को उस गहरे घाव से उबरने में पीढ़ियां तो नहीं लेकिन अनेक वर्ष गुजर जाएंगे, लग जाएंगे. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was, it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulus, the Chief Luthulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobukwe of our time. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect. लेकिन अत्याचार और क्रूरता के इन दशकों के अत्याचार और क्रूरता ने एक और अनअपेक्षित परिणाम उत्पन्न किया, और वो ये था कि इट प्रोड्यूस्ड, कि इस क्रूरता और अत्याचार ने उत्पन्न किया, क्या उत्पन्न किया, द ओलिवर टैम्बूज. इसने ओलिवर टैम्बूज जैसे महान विभूतियों को उत्पन्न किया. द वाल्टर सिसलूज, इसने वाल्टर सिसलूज जैसे महान विभूतियों को उत्पन्न किया. और वैसे ही इसने चीफ लुथलीज, द यूसुफ डैडूज, ब्रैम फिशर और रॉबर्ट सबुक्वे जैसे महान विभूतियों की चारित्रिक विशेषताओं जैसे लोग उत्पन्न किए. Men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. इसने ऐसे असाधारण साहस, बुद्धिमता और उदारता वाले लोग उत्पन्न किए जिससे कि उनके जैसा और दूसरा व्यक्ति कभी भी फिर जाना नहीं गया. Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character. शायद चरित्र की ऐसी महान ऊंचाई वाले चारित्रिक विशेषताओं वाले लोगों को उत्पन्न करने के लिए क्रूरता की और अत्याचार की ऐसे ही गहराई की आवश्यकता होती है. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil. But I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. मेरा देश
खनिजों और रत्नों जो कि इसके जमीन के अंदर हैं उसके मामले में बहुत ही समृद्ध है। लेकिन मैंने हमेशा से ये माना है, ये जाना है कि किसी भी देश का सबसे महान धन उसकी जनता होती है, जो कि संसार के शुद्धतम हीरे से भी ज़्यादा सुंदर और खारा होती है। वी हैव नेल्सन मंडेला हैज़ मेंशन्ड सम ऑफ द पीपल लाइक ओलिवर टैम्बोज। हेयर वी सी द बिफोर ओलिवर टैम्बोज। ओलिवर टैम्बो के पहले द लगा हुआ है। ओलिवर टैम्बो इज ए प्रॉपर नाउन और प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। उसी तरह से वाल्टर सिसुलू, सिसुलू के पहले भी द का प्रयोग है। द का प्रयोग, ये जो डिफिनिट आर्टिकल है, डिफिनिट आर्टिकल इज नॉट जनरली यूज बिफोर एनी प्रॉपर नाउन एंड प्रॉपर नाउन इज ऑल्सो नॉट यूज एज प्लूरल्स। प्रॉपर नाउन का प्रयोग प्लूरल के रूप में नहीं होता है, लेकिन स्पेशल इंटेंशन दिखाने के लिए, जब स्पेशल मीनिंग एक्सप्रेस करना हो, तो ऐसे स्थिति में द का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले होता है और प्रॉपर नाउन भी प्लूरल के रूप में होता है। जैसे द वाल्टर सिसुलू, सिसुलूज का मतलब हुआ कि वाल्टर सिसुलू की चारित्रिक विशेषताओं वाले अन्य दूसरे लोग। अत्याचार ने क्या उत्पन्न किया? एक वाल्टर सिसुलू उत्पन्न नहीं किया, वाल्टर सिसुलू की तरह अनेक लोगों को उत्पन्न किया, जिसमें वैसी ही, जिन लोगों में वाल्टर सिसुलू वाले ही गुण थे। अनेक चीफ लुथलीज उत्पन्न किया, जिसमें चीफ लुथलीज वाली चारित्रिक विशेषताएं थी। ये एक्सप्रेशन का एक बहुत ही ल्यूसिड वे ऑफ एक्सप्रेशन है, एक बहुत ही सरस तरीका है जिससे हम अपनी बात को अभिव्यक्त करते हैं। इसके बारे में हम एक्सरसाइज में, वी विल लेटर नो ऑल अबाउट इट इन एक्सरसाइज। सो दिस इज द नेम विच नेल्सन मंडेला मेंशंस इन हिज ऑटोबायोग्राफी, ओलिवर टैम्बो। ओलिवर टैम्बो के बारे में हम जान लेते हैं। ओलिवर टैम्बो वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फ्रॉम 1967 टू 1991। ये लगभग 24 वर्षों तक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे और नेल्सन मंडेला इनके बाद ही प्रेसिडेंट बने थे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के। नेल्सन मंडेला ने इनके साथ बहुत लंबे समय तक काम किया। वाल्टर सिसुलू, वाल्टर सिसुलू वॉज सेक्रेटरी जनरल एंड डेप्टी प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड वेरी क्लोज टू नेल्सन मंडेला ही वॉज। चीफ लुथेलीज, चीफ लुथेलीज वॉज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फार बिफोर नेल्सन मंडेला। ही बिकेम द प्रेसिडेंट इन 1952 ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है दक्षिण अफ्रीका की, जिसने अपार्थाइड के खिलाफ, रंगभेद के खिलाफ लंबा आंदोलन किया। ये उसके प्रेसिडेंट बने 1952 में, चीफ लुथेली। यूसुफ डैडू, यूसुफ डैडू वॉज साउथ अफ्रीकन कम्युनिस्ट पार्टी लीडर। ये कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, लेकिन ये भी अपार्थाइड के, रंगभेद नीति के खिलाफ आंदोलन में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रैम फिशर वॉज ऑल्सो ए वेरी ग्रेट पॉलिटिशियन ऑफ साउथ अफ्रीका। ही वॉज एक्चुअली ए लॉयर, ही वॉज ए फेमस साउथ अफ्रीकन लॉयर एंड ही बिकेम लीगल डिफेंस फॉर नेल्सन मंडेला इन मेनी केसेज। ये नेल्सन मंडेला के वकील भी थे एंड ही वॉज वेरी फेमस। रॉबर्ट सोबुक्वे, रॉबर्ट सोबुक्वे वॉज फाउंडर ऑफ पैन अफ्रीकनिस्ट कांग्रेस। ये एक अलग राजनीतिक पार्टी के संस्थापक थे, अफ्रीकन नेशनल पार्टी से इनका संबंध नहीं था, बट ही ऑल्सो प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल अगेंस्ट अपार्थाइड सिस्टम इन साउथ अफ्रीका। सो ऑल दी सिक्स वेर वेरी क्लोज टू नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम द लाइफ ऑफ दिस ग्रेट पर्सनैलिटीज, सो दैट इज़ वाई ही हैज़ मैंसन्ड द नेम्स of these great personalities in his autobiography. What further he says about them: it is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. It is from these comrades in his struggle, संघर्ष के दिनों में इन्हीं साथियों से मैंने साहस का मतलब सीखा। संघर्ष के दिनों में इन्हीं साथियों से मैंने साहस का मतलब सीखा। टाइम एंड अगेन, बार बार आई हैव सीन
कई बार आई हैव सीन मैनी मैन एंड वुमेन रिस्क देयर एंड गिव देयर लिव्स फॉर एन आइडिया। मैंने कई स्त्रियों और पुरुषों को एक विचार के लिए अपने जीवन को दांव पर लगाते हुए और अपने जीवन को न्यौछावर करते हुए देखा है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। मैंने कई बार लोगों को आक्रमण और अत्याचार के खिलाफ कल्पना से परे लचीलेपन और शक्ति के साथ बिना टूटे हुए अत्याचार और आक्रमणों के खिलाफ खड़ा होते हुए देखा है। आई लर्न्ड दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मैंने सीखा इन्हीं नेताओं से, इन्हीं लोगों से, कि करेज यानी साहस, भय की अनुपस्थिति का मतलब साहस नहीं है, बट ट्रायम्फ ओवर इट। भय की अनुपस्थिति का नाम साहस नहीं है, बल्कि भय के ऊपर विजय का नाम साहस है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, बट ही हु कंकर्स दैट फियर। एक बहादुर आदमी वो नहीं है जो भय महसूस नहीं करता है, बल्कि एक बहादुर आदमी वो है जो भय के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। सो व्हाट मार्वेलस लाइंस नेल्सन मंडेला हैज रिटन हियर। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। कोई भी व्यक्ति जन्म से ही किसी व्यक्ति के चमड़े को देखकर या किसी व्यक्ति के चमड़े के आधार पर उसके साथ घृणा करता हुआ उत्पन्न नहीं होता है, और हिज बैकग्राउंड या उसकी पृष्ठभूमि से घृणा करता हुआ उत्पन्न नहीं होता है, और हिज रिलीजन या उसके धर्म से घृणा करता हुआ पैदा नहीं होता है जन्म से ही। पीपुल मस्ट लर्न टू हेट। निश्चित रूप से लोग घृणा करना सीखते हैं, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो घृणा करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टाउट टू लव, तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, क्योंकि मानव हृदय के करीब प्रेम ज़्यादा प्राकृतिक तरीके से आता है घृणा की अपेक्षा। इवेन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, कैद के उन कठोरतम समय में भी, वेन माई कॉमरेड्स एंड आई वेयर पुश टू आवर लिमिट्स, जब मैं और मेरे संघर्ष के वो साथी प्रताड़ना और उत्पीड़न की अंतिम सीमा तक पहुंचाए जा चुके थे, आई वुड सी ए ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी। आई वुड सी ए ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। मैं वहां पर उपस्थित संतरी की आंखों में मानवता की एक झलक देख सकता था। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद ये कुछ क्षण के लिए, एक क्षण के लिए ही था, बट इट वॉज इनफ टू रेश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। यह मुझे सुनिश्चित करने के लिए, मुझे ढांढस देने के लिए और मुझे अपने पथ पर लगातार अग्रसर होने देने के लिए यह पर्याप्त था कि मैं उन संतरी की आँख में मानवता की एक झलक कुछ क्षण के लिए ही देख सकता था। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। मानव की अच्छाई एक ज्योति है, एक लौ है, जिसे छिपाया तो जा सकता है लेकिन उसे कभी बुझाया नहीं जा सकता, और शायद संतरी की आंखों में वो ज्योति छिपी हुई थी, बुझी नहीं थी। यहाँ पे इंटेंशन यह है कहने का, इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन, एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री, इन ए सिविल ह्यूमन, सॉरी हिज कंट्री। एक जीवन में, मानव जीवन में हर व्यक्ति के पास दो दायित्व होते हैं, दोहरा दायित्व होता है। दायित्व मतलब कर्तव्य, हर व्यक्ति को दोहरा दायित्व यानी दोहरे कर्तव्य निभाने पड़ते हैं।
एक कर्तव्य है उसके परिवार के प्रति, उसके माता पिता के प्रति, उसकी पत्नी और बच्चों के प्रति, और दूसरा दायित्व है उसके लोगों के प्रति, उसके समुदाय के प्रति, उसके देश के प्रति। ये दोहरे ऑब्लिगेशंस हैं, ट्विन ऑब्लिगेशंस, दोहरा दायित्व, दोहरे कर्तव्य हैं, एक परिवार के प्रति और एक देश के प्रति। इन ए सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी, एक सामान्य और मानवीय समाज में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। हर मनुष्य को अपने इस दोहरे दायित्व को अपनी रुचि और अपनी क्षमता के साथ इस दोहरे दायित्व को पूर्ण करने की क्षमता होती है। हर मानवीय सभ्यता में, हर मानवीय समाज में हर व्यक्ति अपने दायित्व और अपनी योग्यता के अनुसार, अपने रुचि और अपनी योग्यता के अनुसार इन दोहरे दायित्व को निभा सकता है, पूर्ण कर सकता है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, साउथ दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दिस ऑब्लिगेशंस। लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जिसने अश्वेत परिवार में जन्म लिया हो, और मेरे जैसे अश्वेत व्यक्ति के लिए अपने इन दोनों दायित्वों को निभा पाना लगभग असंभव था, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में, अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लीव एज अ ह्यूमन बींग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। दक्षिण अफ्रीका में एक ऐसा आदमी जो मानव की तरह रहने का प्रयास भी करता था, उसे दंडित किया जाता था और उसे समाज से अलग थलग कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका, अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल एंड टू हिज पीपल वॉज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वॉज फोर्स टू लिव अ लाइव अपार्ट, अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिवेलियन। दक्षिण अफ्रीका में ए मैन ऑफ कलर, एक आदमी जो अश्वेत होता था, जो श्वेत पैदा नहीं होता था, ए मैन ऑफ कलर का मतलब जो श्वेत ना हो, यानी कि या तो अश्वेत हो सकता है या वो श्वेत और अश्वेत के बीच हो सकता है, जिसका कोई ना कोई वर्ण होता है। रंग वाला आदमी यानी कि अश्वेत व्यक्ति या कोई गैर श्वेत व्यक्ति, हु अटेम्प्टेड टू लीव एज अ ह्यूमन बींग वॉज इन साउथ अफ्रीका, अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल। दक्षिण अफ्रीका में वो आदमी जो अपने लोगों के प्रति अपने दायित्व को निभाने की कोशिश करता था, वॉज इनएविटेबली, वह अपरिहार्य रूप से रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, अपने परिवार से उसको अलग थलग कर दिया जाता था, फ्रॉम हिज होम, अपने घर से उसको अलग कर दिया जाता था, एंड वॉज फोर्स टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और उसको एक अलग थलग निर्वासित जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिवेलियन। ट्विलाइट एग्जिस्टेंस पहले भी इस चैप्टर में बताया गया है। ट्विलाइट का मतलब होता है गोधली बेला के समय में जो प्रकाश होता है, उस समय न प्रकाश होता है न छाया होती है, धूप छांव जैसा मामला होता है। तो उस समय जो प्रकृति का स्वरूप होता है उसी से तुलना की गई है। ट्विलाइट एग्जिस्टेंस मतलब गोधली का अस्तित्व, यानी ऐसा अस्तित्व न तो प्रकाश में हो न वो अंधेरे में हो। तो जो आदमी अपने दायित्व की पूर्ति दक्षिण अफ्रीका में करने की कोशिश करता था, उसको ट्विलाइट एग्जिस्टेंस में रहने को मजबूर कर दिया जाता था। वो न तो पूर्णतः गुप्त तरीके से रहता था और न ही वो सामान्य जीवन जी सकता था। रिबेलियन की तरह, बागी की तरह उसको समाज से कट कर दिया जाता था, समाज से उसको अलग थलग कर दिया जाता था। ट्विलाइट एग्जिस्टेंस का यही मतलब है कि न तो पूर्णतः प्रकाश में होना न पूर्णतः अंधकार में रहना, यानी कि एक ऐसे संक्रमण की स्थिति में होना जहाँ से ना वो आगे जा सकता हो न पीछे जा सकता हो, यानी अपनी प्राकृतिक जीवन को जी नहीं पाता था। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज
टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। शुरुआत में मैंने अपने देश के लोगों को अपने परिवार के ऊपर रखने का चयन नहीं किया था, मैंने निर्णय नहीं किया था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने के प्रयास में आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ फादर एंड ए हस्बैंड। मैंने पाया कि मुझे एक पुत्र, एक भाई, एक पिता और एक पति के दायित्वों को निभाने से मुझे रोका जा रहा है। सो दिस वॉज वॉट वी हैड टू रीड टूडे, वी हैड टू लर्न टूडे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी शिल ट्राई टू कंक्लूड दिस लेसन, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। एंड आफ्टर कंक्लूडिंग दिस लेसन वी शिल do the exercises and the some important points. So keep watching this video again and try to note down the important points, the important words, the important phrases, the important special uses, and keep trying this video once again. Keep watching this video. Wait for the next video to come. Bye bye.